हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से लेके आ चुके हैं हम आपके लिए अपने सबसे बेस्ट वीडियो, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वो टॉपिक है मीडियल मीडिएशनम का डायग्राम। और हम पिछले कुछ जैसे मीडिएशनम की बात करें तो इसके बारे में हमने इसके बॉर्डर और कंटेंट्स की बात की थी, कौन कौन से बॉर्डर होते हैं, कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं और किस किस तरीके से क्या करता है, अपने जो अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं। तो वैसे आज हम बात करने वाले मीडिएशनम की, कौन कौन से उसके अंदर कंटेंट होता है। तो देखिए, सबसे इसका जो मेन कंटेंट होता है वो तो एक ही होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होता है वो इसका होता है हार्ट, क्योंकि हार्ट को पूरी तरीके से क्या करता है, अपने अंदर रखता है। अब हार्ट किस में रहता है? हार्ट रहता है पेरिकार्डियम के अंदर। तो पेरिकार्डियम जो लेयर है वो सबसे बाहर पाई जाएगी, है ना। पेरिकार्डियम लेयर सबसे बाहर पाई जाएगी। पेरिकार्डियम के जस्ट ऊपर क्या, सुपीरियर मीडियस्टिनम। तो सुपीरियर मीडियस्टिनम उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जो हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है। अगर आपने अब तक अगर वीडियो जाके नहीं देखी ना तो जाओ क्लिक करो, ऊपर मैंने प्लेलिस्ट दे दी है पूरे मीडियस्टिनम की। तो मतलब जाओ खंगालो और देखो पूरी वीडियोस को, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। नाउ चलो हम सीधा डायग्राम बनाते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हार्ट बनाएंगे। पेरिकार्डियम हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो पेरिकार्डियम के अंदर क्या रहता है, हार्ट। ये क्या हो गया, हार्ट के लोब्स हो गए और यहाँ पे ये कंटिन्यू होगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ मीडियस्टिनम के बारे में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। अभी हम जो मीडियस्टिनम के बारे में पढ़ेंगे के बाद, जब हम इसके बारे में हार्ट के ऊपर आएंगे, कंप्लीट हार्ट की एनाटॉमी भी हम पढ़ेंगे, जहां हम बात करेंगे हार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं इसके क्या बोलते हैं रिलेशंस होते हैं, और कौन कौन से वॉल्स बनाते हैं इसकी आर्टरीज, हम सब कुछ इसके ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये क्या है, ये है इसका सुपीरियर वेना केवा। ये ब्रेकिसिफेलिक वेन कौन सी वाली, ये वाली कौन सी वाली थी, राइट वाली। और ये ब्रेकिसिफेलिक वेन कौन सी थी, लेफ्ट वाली। तो ये हो गया, ये कौन सा हो गया, ये सुपीरियर वेना केवा हो गया। ये क्या है, ये है अजाइगस वेन, ठीक है। ये सबसे नीचे नीचे रहती है, तो ये कौन सी हो गई, अजाइगस वेन। अब ये अजाइगस वेन हो गई, तो ये क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये क्या है, पल्मोनरी ट्रंक। ओके, नेक्स्ट ये हमारा गया इधर से असेंडिंग आयोटा कंटिन्यू हुआ किस में, आर्च ऑफ आयोटा में, जो कि हमारे हम कहाँ पढ़ते हैं उसको, हम पढ़ते हैं किसके अंदर, हम पढ़ते हैं जो सुपीरियर मीडियस्टिनम है उसके अंदर हम पढ़ते हैं इसको, इसके कंटेंट्स को। ये कौन सा हो गया, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरीज, सॉरी पल्मोनरी वेन्स। तो ये लेफ्ट वाली पल्मोनरी वेन्स है और यहाँ पे निकलेगी ये कुछ पल्मोनरी वेन्स निकलेगी, ये कौन सी निकलेगी, ये राइट वाली निकलेगी। ओके, तो ये हो गया इसके, क्या हो गए, बस इसका इतना सा ही कंटेंट है। तो अभी हम इसके इसके एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी नर्व, वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, जस्ट वेट कीजिए, तब तक हम इसकी कंप्लीटली नेमिंग करते हैं। तो ये क्या है, ये हो गया हार्ट, दिस इज द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम में देखिए पांच टोटल पांच लेयर्स होती थी ना, फाइब्रस पे पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम एंड मतलब हार्ट की टोटल पांच लेयर्स की बात कर रहा हूँ, एंड जो विसरल लेयर था उसको एपिकार्डियम भी बोलते थे, फिर मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये इसके टोटल पांच थी, जिसके अंदर से जो विसरल लेयर थी वो सबसे कॉमन थी। ओके, तो ये क्या था, ये अपना पेरिकार्डियम हो गया। तो इसकी टोटल कौन सी वाली लेयर थी जो सबसे कॉमन थी, वो थी विसरल लेयर यानी एपिकार्डियम। ओके, तो ये हो गया, मैं अलग बात ही पेरिकार्डियम की बात है, जिसका लिंक है ना मैंने आपको आई बटन में दे दिया, जाओ फटाफट देख लो, वीडियो बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे ये तो हो गया इसका कंप्लीट पोर्शन, जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ मतलब नेमिंग करने वाला हूँ। तो ये वाला कौन सा पोर्शन हो गया, सुपीरियर वेना केवा हो गया। तो आई थिंक मुझे इसका यूज करना चाहिए, सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखिए, ये यहाँ पे ये इसका जो पोर्शन है वो यहाँ तक ही रहता है, फिर आगे क्या करता है, ये हार्ट में कन्वर्ट हो जाता है इसका, जैसे कि यहाँ तक, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है कहाँ से, हार्ट के डायरेक्ट इस वाले यहाँ से गर्दन नेक वाले पोर्शन से, और ये यहीं से। डन देन व्हाट, ये क्या है, सॉरी ये नहीं, ये तो उसकी क्या है कि ये तो उसका पोर्शन हो गया जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ये कौन सी है, ये होगी सुपीरियर वेना केवा,
सुपीरियर वेना के बाद, वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और ये कौन सी आ जाएगा वेन, आ जाएगा वेन, ओके आ जाएगा वेन हो गई। अब ये कौन सी, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई, पल्मोनरी आर्टरी हो गई। इसके बारे में हमने पढ़ा ही था, ये क्या है, लेफ्ट लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ओके लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ये आर्टरी है, ये ट्रायंगल नहीं है, आर्टरी है सॉरी। तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन, वहीं ये कौन सी वो है वेसल से, राइट पल्मोनरी वेन, ये होगी लाइट राइट पल्मोनरी वेन। तो इस वीडियो के अंदर है ना बस इतना ही था कि यही इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। इसका जो सबसे मेन कंपोनेंट है ये कौन सी है, असेंडिंग, सो ये आर्च ऑफ एओर्टा, इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके कंपोनेंट की बात करें ना, तो ये कौन सी है, असेंडिंग एओर्टा। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, आज की वीडियो में बस के लिए छोटा सा नॉर्मल सा एक कंपोनेंट था, वीडियो बहुत आई थिंक बहुत छोटा है, बहुत अच्छी वाली बात है। बट एक वीडियो एक चीज, मतलब एक चीज जो हमने आपको स्टार्ट बताई थी, यहां से आती है एक सबसे इंपॉर्टेंट नर्व, जो नर्व यहाँ पे पेरिकार्डियम में होती जाती है। कोई मुझे बताएगा कि ये कौन सी नर्व है, आई थिंक आप में से पता होगा मैक्सिमम को कि यहाँ पे आती है, ये डायफ्राम में जाती है कंप्लीटली होते हुए, किसको, इसको नर्व सप्लाई करते हुए। तो कौन सी नर्व है, कौन सी नर्व है कोई बताएगा, ये नर्व है फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व कौन सी थी, जो पेरिकार्डियल के अंदर की साइड से आती थी, मतलब पेरिकार्डियम के जो क्या बोलते हैं इसको, आउटर पेरिकार्डियम के आउटर लेयर कौन सी होती है, मीडियास्टिनम। तो मीडियास्टिनम के अंदर से होती थी, किसमें जाती थी, हार्ट को नर्व सप्लाई करती थी, और क्या करती थी यहाँ पे डायफ्राम में जाके, किसमें डायफ्राम में जाके क्या हो जाती थी, अपनी ब्रांचेज दे देती थी। तो यही तो थी फ्रेनिक नर्व, और यही चीज मैंने आपको किसमें बताई थी, ये वाली ही चीज मैंने आपको आज सुपीरियर के अंदर भी बताई थी कि देखिए यहाँ पे जो फ्रेनिक नर्व है, ये जो फ्रेनिक नर्व थी, ये दोनों कहाँ पे जा रही थी, ये दोनों फ्रेनिक नर्व किसमें जा रही थी, मीडियल मीडियास्टिनम के अंदर। इसीलिए हमने एंटीरियर मीडियास्टिनम में किसी भी नर्व की बात नहीं की थी, क्योंकि कोई भी मेजर कंपोनेंट्स को क्या करता है, कंटेन नहीं करता। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा आपसे फिर से अगले वीडियो में कुछ नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।